नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, मैं हूं आदेश पुरी। आज 11 जून है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की, वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने दिया है दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से, जो कि बिहार से संबंधित है। बिहार में कोरोना से मौत का आंकड़ा बदला, एक दिन में 73% की वृद्धि। दो जांच कमेटियों की जांच रिपोर्ट के सामने आया ये मामला। 7 जून तक कुल मामलों का आंकड़ा 5424 से 8 जून को 9375 पहुंचा। बता दें आपको कि देश में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर दिखा सीधा असर, एक दिन में संख्या करीब 3 गुना बढ़ी। मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और जिलों के सिविल सर्जन की टीम ने की थी इसकी जांच। आपको बता दें तो वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से ही, जिसमें दिया है कि गरीबी से निकलने को परिवार नियोजन अपनाए अल्पसंख्यक। ऐसी बातें जो है वो असम के नए मुख्यमंत्री जो है हेमंत विश्व शर्मा ने कही है। उन्होंने अपील की है, कहा है इस समुदाय की महिलाओं को शिक्षित करेगी राज्य सरकार। और असम के कई ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है और आबादी बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है, जिसको लेकर अपील की है असम के नए मुख्यमंत्री ने। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, इसमें दिया है कि अंधाधुन और अपूर्ण टीकाकरण से बढ़ सकता है वायरस का म्यूटेशन। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय, पीएम को दी रिपोर्ट, कहा संक्रमित हो चुके लोगों को टीके की जरूरत नहीं। संवेदनशील और जोखिम की श्रेणी में शामिल लोगों के टीकाकरण का सुझाव दिया गया है। वही बताएं कि इस चरण में सभी के लिए टीकाकरण खोलने की जगह आंकड़ों से ही निर्देशित करने का सुझाव दिया गया है। संक्रमित हो चुके लोगों को टीका तभी दी जाए जब साक्ष्य मिले कि उनके लिए यह फायदेमंद है। संक्रमण के आधार पर क्षेत्र और आबादी के लिए टीकाकरण कार्यक्रम तय हो। तो ये बहुत सारे जो अनुशंसा है रिपोर्ट में, सरकार को ये कहा गया है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से, इसमें दिया है कि दिल्ली में 9वीं और 11वीं की परीक्षा रद्द कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री आशीष सोदिया ने की घोषणा, कक्षा 8 तक नो डिटेंशन पॉलिसी अपनाया जाएगा। कहा मध्यावधि परीक्षा के आधार पर ही जारी किया जाएगा रिजल्ट। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से, इसमें दिया है कि टीकाकरण पर अफवाहों को दूर करने के लिए चलेगा राष्ट्रीय अभियान। ऐसा जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है। जान है तो जहान है के तहत आपको बता दें कि दूर दराज इलाकों और गांव में दिया जाएगा विशेष ध्यान। अभियान में शामिल किए गए देश के कई संगठन। वही अगली खबर हमने दिया है दैनिक जागरण से, जिसमें दिया है कि यूपीएससी 2020 का सिविल सेवा का साक्षात्कार 2 अगस्त से तय किया गया है। आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते इस इंटरव्यू को रद्द कर दिया गया था और आगे के लिए टाल दिया गया था, और ये अब फिर से जो है 2 अगस्त से इसका शुरुआत होगा। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से, इसमें दिया है कि चीनी सरकार से भारतीयों को चीन की यात्रा करने देने की अपील। आपको बता दें कि भारत ने चीन से कहा है कि वह भारतीय नागरिकों को उसके देश में आने दे, खासकर उन भारतीयों को जो उनके देश में नौकरी या पढ़ाई करते हैं। भारत ने चीन से दोतरफा यात्रा को मंजूरी देने को कहा, चूंकि चीन ने चीनी नागरिकों के भारत आने पर कोई रोक नहीं लगाई है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को वापसी के लिए चीनी पक्ष से लगातार संपर्क में होने की बात कही गई है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से, इसमें दिया है कि तिब्बत में संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है चीन और पाकिस्तान की सेनाएं। भारत सतर्क है, मिसाइल, यूएवी और ड्रोन का भी कर सकती है इस्तेमाल। सरहदी इलाकों में स्थिति सामान्य बनाने की आड़ में दुश्मन ने एक बार फिर से जंगी तैयारियां शुरू कर दी है। वही आपको बताएं कि चीन सीमा पर बाड़ा होती के निरीक्षण टीम को रवाना किया गया और ये निरीक्षण टीम देख रही है, इस पर नजर बनाए हुए है कि क्या ये युद्धाभ्यास की आड़ में कुछ और तो नहीं चल रहा। वही अगली खबर भी है दैनिक जागरण से, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकान वालों पर होगी सख्ती। इस वर्ष 1 अक्टूबर से बिल पर FSSI लाइसेंस नंबर लिखना होगा अनिवार्य। रेस्टोरेंट में प्रमुख स्थानों पर खाद्य सुरक्षा संबंधित डिस्प्ले बोर्ड लगाने होंगे। खाद्य पदार्थों में किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत करने में ग्राहकों को होगी आसानी। तो ये सख्ती बरती जा रही है रेस्टोरेंटों पर। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया, इसमें दिया है कि ब्रिटेन में फरवरी के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए हैं। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कुछ महीनों में चल रही राहत के बाद अब चिंता बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोपीय देशों को
डेल्टा वेरिएंट के प्रति सावधान रहने को कहा है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में 7,540 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वही अगली खबर हमें यह है, जनसत्ता से इसमें दिया है कि 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 85,883 पूरे मामले पूरे देश में दर्ज किए गए। लगातार चौथे दिन संक्रमितों की संख्या 1,00,000 से कम आई है। देश में गुरुवार रात 10:08 तक 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 85,863 कोरोना के मामले आए हैं, जबकि मंगलवार को 94,092 आए थे। इस तरह लगातार चौथे दिन संक्रमितों की संख्या 1,00,000 से कम रही। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से, जिसमें दिया हुआ है कि चीन से तनाव कम करने के लिए भारत ने कहा, टकराव के शेष बिंदुओं से हो सकती है सेना की पूरी वापसी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सैन्य और राजनयिक वार्ता के पिछले चरणों का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों पक्ष मौजूदा समझौते और प्रोटोकॉल के अनुरूप लंबित मुद्दों का त्वरित समाधान करने की आवश्यकता पर सहमत है। वही अगली खबर भी हमने लिया है हिंदुस्तान से, जिसमें दिया हुआ है कि दूसरे एटीएम का प्रयोग महंगा पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को एटीएम के जरिए होने वाले हर वित्तीय लेनदेन पर इंटरचेंज फीस 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये करने का ऐलान किया गया है। एटीएम निकासी शुल्क की बढ़ोतरी की गई है। 1 जनवरी 2022 से यह लागू होगी, यानी नए साल में 1 तारीख से आपको अधिक शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है सुशांत सिंह को लेकर बन रही फिल्म पर रोक नहीं। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फिल्म न्याय द जस्टिस की रिलीज पर रोक नहीं लगाने का फैसला किया है। फिल्म शुक्रवार को रिलीज होगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका दावा है कि फिल्म में सुशांत की जिंदगी पर आधारित है। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया, इसमें दिया है कि श्रीलंका दौरे के लिए कप्तान होंगे शिखर धवन। बीसीसीआई ने गुरुवार को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय वनडे और टी20 टीम का ऐलान कर दिया। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को कप्तान बनाया गया है। वही भुवनेश्वर कुमार को उप कप्तान की जिम्मेवारी दी गई है। और साथ में आपको बता दें राहुल द्रविड़ को कोच बनाया गया है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें नीतीश कुमार का अपील है, सुझाव है या चेतावनी है, जो समझे आप। लेकिन इसमें कहा गया है कि मास्क नहीं पहनने की चूक से बढ़ सकता है संक्रमण। नीतीश ने पटना का कल उन्होंने जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कुछ लोगों को मास्क पहनने न पहने देख चिंता जताई। लोगों से अपील की कि मास्क अवश्य पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, इंजीनियरिंग में लड़कियों को इसी सत्र से 33% का कोटा। आपको बता दें कि आरक्षण के लिए तैयार हो रहा प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इस साल से ही 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा महिलाओं को इंजीनियरिंग कॉलेजों में। कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है और बहुत जल्द इसको लागू भी कर दिया जाएगा। वही अगली खबर हिंदुस्तान से, बिहार में 24 से 36 घंटे में दस्तक देगा मानसून। आपको बता दें कि 14 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी, भारी बारिश की संभावना। कल तक मानसून की औपचारिक घोषणा की संभावना है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, राज्य भर के डॉक्टर 18 को 4 घंटे बंद रखेंगे ओपीडी सेवा। देश भर के डॉक्टर सहित बिहार के डॉक्टर भी योग गुरु रामदेव की एलोपैथी के खिलाफ टिप्पणी के खिलाफ 18 जून को 4 घंटे तक ओपीडी सेवा बंद रखेंगे। चिकित्सक उस दिन सुबह 8:30 से लेकर दोपहर 12:30 तक सभी एलोपैथ डॉक्टर ओपीडी सेवा नहीं करेंगे। वही अगली खबर भी हमने लिया हिंदुस्तान से, इसमें दिया गया है कि पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के अधूरे काम 30 जून तक पूरा करें। प्रधान सचिव ने पाटलिपुत्र बस स्टैंड और मीठापुर बस स्टैंड का निरीक्षण किया। 15 जुलाई से सारी बसें पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से संचालित करने की हो रही है तैयारी। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है कि हाई कोर्ट का पंचायती राज कानून में संशोधन अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार। आपको बता दें पटना हाई कोर्ट ने पंचायती राज कानून में संशोधन को लाए गए अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ भारत चुनाव आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग को 14 जुलाई तक जवाब देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले के साथ ईवीएम वाले मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश हाईकोर्ट प्रशासन को भी दिया है। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, आधे से अधिक जिलों में 10 से कम नए कोरोना मरीज। आपको बता दें कि बिहार के आधे से अधिक जिलों में 10 या 10 से कम कोरोना मरीज संक्रमित मरीजों की पहचान की गई, जबकि बांका में एक भी नया मरीज नहीं मिला। गुरुवार को बिहार में 551 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। राज्य में सर्वाधिक 63 नए मामले की पहचान पटना में हुई, जबकि एक दिन पूर्व पटना में 55 नए संक्रमितों की पहचान हुई थी। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, इंटर दाखिला से संबंधित है। अगले हफ्ते से करे ऑनलाइन आवेदन, कला विज्ञान और वाणिज्य संकाय में नामांकन लेना होगा आसान। आपको बता दें कि अपने ही जिला में नामांकन का मौका मिलेगा, सीटें आवंटित हुई।
आवेदन के बाद 3 नामांकन सूची जारी की जाएगी। वही अगली खबर हिंदुस्तान से इसमें दिया है कि अमेरिका से मिलने वाले टीकों में भारत भी हिस्सेदार। आपको बताया कि अमेरिका के विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र समर्पित कोवैक्स वैश्विक टीका कार्यक्रम के जरिए 8 करोड़ कोरोना रोधी टीके देगा, जिसका एक हिस्सा भारत को भी मिलेगा। वही अगली खबर हम लिया प्रभात खबर से, जो कि सेनारी हत्याकांड से संबंधित है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से वेणुगोपाल करेंगे बहस, हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती देगी राज्य सरकार। राज्य सरकार ने सेनारी हत्याकांड में आए पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। जल्द ही SLP याचिका दायर की जाएगी। महाधिवक्ता ललित किशोर ने इसकी पुष्टि की। बिहार सरकार की तरफ से इस केस को सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहसा पेश करेंगे। वही अगली खबर प्रभात खबर से ही, जो कि ट्रेनों से संबंधित है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का असर कम होने पर रोजगार को निकले लोग, और ब्रह्मपुत्र में 13 तक नो रूम, संपूर्ण क्रांति के स्लीपर 100 से अधिक वेटिंग चल रहे हैं। तो अब ट्रेनों में भीड़ भाड़ बढ़नी शुरू हो गई है, और फिर से बिहार के जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों में जाने के लिए टिकट बुक करा रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में टिकट जो है वो नो रूम चल रहा है या बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रहा है उसमें। वही अगली खबर प्रभात खबर से ही, कच्ची दरगाह बिदुपुरपुर मार्च 2023 में हो जाएगा पूरा। कोरोना का असर कम होते ही काम में आएगी तेजी। अगवानी सुल्तानगंज पुल अगले साल तक बनकर होगा तैयार। तो आपको बता दें कि बिदुपुर पुल जो है मार्च 2023 तक तैयार हो जाएगा। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपका हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे पेज NewsPR को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल NewsPR को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।